वास्तु अनुसार कुछ दोष आपको मानसिक तनाव देते हैं। नमस्कार, आज हम बात करते हैं वास्तु दोष की। हमेशा हम लोग किसी न किसी प्रकार की चिंता में फंसे रहते हैं और हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, जिससे मानसिक रूप से दिमाग में कुछ न कुछ विचार ही चलते रहते हैं। तो देखें, कहीं आप ईस्ट साउथ ईस्ट में तो नहीं सो रहे, या आप इस दिशा में ज्यादा वक्त तो नहीं बिता रहे। अगर ऐसा है तो यहाँ अधिक रहना और सोना आप छोड़ दें, चाहे वह आपका घर हो या आपका ऑफिस हो। इस दिशा में अधिक रहने से आप ओवर थिंकिंग से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। इस दिशा में मिक्सी, वॉशिंग मशीन आप रख सकते हैं, या समुद्र मंथन का आप एक चित्र भी लगा सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी तरह का डिप्रेशन फील भी हो रहा है, या एंजाइटी महसूस हो रही है, या जरा सी बात पर आपका रोने का मन करता है, तो देखिए कहीं आपका बेडरूम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं है, या आपने घर या ऑफिस में इस दिशा में अधिक समय तो नहीं बिता रहे हैं। तो आप तुरंत यहां से अपना बेडरूम चेंज कर लें, नहीं तो आप ओवर थिंकिंग से कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। आपके माइंड में हमेशा क्लाउड्स बनते रहेंगे और आप हमेशा डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। अगर आपके घर के साउथ वेस्ट दिशा में लाल रंग की कोई वस्तु या आपने कोई रंग किया है, तो आपसे रिश्ते में आपके तनाव बने रहेंगे और झगड़े रहेंगे। आपसे प्रेम रहेगा ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ आप इरिटेशन का बिहेव करेंगे। साथ ही हमारे घर के साउथ वेस्ट साउथ दिशा डिस्पोजल की दिशा है, यहाँ कोई पवित्र धार्मिक चित्र रखने से डिप्रेशन या एंजाइटी होती है। यहाँ कभी भी मंदिर आप नहीं बनाए, कोशिश करें कि इस दिशा में अधिक समय ना ही बिताएं, नहीं तो आप मानसिक रूप से आप डिस्टर्ब ही रहेंगे। इससे बाहर आने के लिए आप अगर अपने घर की वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में वॉशिंग मशीन रखते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आप अपने किसी पास्ट थॉट से आप बाहर आ सकते हैं, जो आपको बहुत समय से परेशान कर रही है, जिससे आप डिप्रेशन फील भी कर रहे थे और चाह कर भी आप उस पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे थे। यहाँ वॉशिंग मशीन रखने से तो आप पास्ट मेमोरी को अपनी माइंड से वॉश कर सकते हैं, या कोई चित्र भी लगाते हैं, इससे आप अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हैं। घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा में स्टोर बनाने से, डस्टबिन, झाड़ू या फालतू चीजें रखने से डिप्रेशन और एंजाइटी होती है। यहाँ हर सामान को रखें तो ऑर्गेनाइज करके रखें। इस दिशा को हमेशा साफ और खुला रखें, यहाँ पे ब्लू कलर भी आप करें। दूसरी ओर अगर आपको न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं या न्यूरो सर्जरी भी आपकी हुई है, तो आप जल्दी से ठीक होने के लिए घर के नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई कील भी लगी है तो वो आपको हटा दें, कील लगा के कुछ ना टांगे। घर के नॉर्थ ईस्ट में अगर डस्टबिन रखा है तो आप बहुत जल्दी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। अगर इसी जगह में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट भी बना है, तो आपको न्यूरो प्रॉब्लम कैंसर तक हो सकता है, आपके माइंड में केमिकल्स भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसलिए नॉर्थ ईस्ट को आप हमेशा बैलेंस रखें। तो चलिए चलते हैं, आप अपना ख्याल रखें और वास्तु दोष से बचते रहें, इससे आपका सेहत भी बेटर है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। आपसे अपने नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।